Hello everybody, welcome back to my channel. Main hu aapki tech bahu, and now I'm going to add to the series that I promised jo hai ITR filing ke liye. To agar aap ye series of videos dekhenge, aapki ITR filing bahut easily aap apne aap se kar sakte hain. So last time humne ek aur aspect dekha tha, aur aaj hum dekhne wale hain calculating income from property. जैसे आपके पास कोई घर हो, लोन पे हो या जैसे भी, तो उसके बाद आपका जो ये इसका जो इनकम है वो आप आईटीआर में कैसे फाइल करते हैं, ये डिटेल्स उसके बारे में है. तो पहला केस हम देखते हैं, लोन विदाउट पोजेशन. मतलब आपने घर खरीदा है, लोन लिया है, लेकिन आपको पोजेशन नहीं मिला है. इस केस में जो एचआरए होता है, आपका जो ऑफिस प्रोवाइड करता है, ये आप ले सकते हैं. आपको रेंट रसीद दिखानी पड़ेगी और ये आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है एचआरए. और इसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है लोन का, ये आप अभी नहीं क्लेम कर सकते हैं. ये एक बार ही आपको पोजेशन मिल जाए, उसके बाद आप ये लोन क्लेम कर, लोन अमाउंट क्लेम, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ योर लोन क्लेम कर सकते हैं. और उसके लिए भी एक तरीका है. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 60,000 पे किया, सेकंड ईयर में 40,000 पे किया, और थर्ड ईयर में जाके आपको पोजेशन मिला, तो पहले दो साल के लिए, दिस इज़ बिफोर पोजेशन, आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा. थर्ड ईयर में आप 20,000 तो क्लेम करेंगे ही करेंगे इंटरेस्ट कंपोनेंट, और 60,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब द लास्ट जितना भी पैसा आपने पोजेशन से पहले लिया है उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में स्प्लिट करके आप 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में इसको दिखा सकते हैं, और ये अमाउंट अप टू 2 लाख होना चाहिए. सो दैट्स हाउ इट्स डन. एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप अपने 80C सेक्शन के अंडर कवर कर सकते हैं, और यहाँ रेंट रिसीव्ड वाला कोई केस नहीं होता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज लोन विथ पोजेशन. आपका आपने लोन लिया हुआ है और पोजेशन भी आपके पास है. इस केस में दो केसेस होते हैं, या तो आप खुद रहते हैं या किसी को रेंट पे देते हैं. तो फर्स्ट वील सी इफ यू लेट इट आउट. इस केस में आप एचआरए तभी क्लेम कर सकते हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि आपने रेंट दे रहे हो, अगर आप कोई डिफरेंट सिटी में रह रहे हो. और इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट सीधा सीधा क्लेम हो सकता है, लेकिन अप टू अ लिमिट ऑफ 2 लाख. और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो 80C के अंडर कवर होगा, और जो रेंट आपके किराएदार आपको दे रहे हैं उसमें से आप 30% माइनस करेंगे और वो एज आप इनकम दिखा सकते हैं. तो आपकी ओवरऑल जब रेंट दिखाएंगे आप वहाँ, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो उसमें होगा द इंटरेस्ट अमाउंट, राइट, प्लस द 30% रेंट रिसीव्ड माइनस 30% ऑफ द रेंट रिसीव्ड. सो इट्स बेसिकली द इंटरेस्ट कंपोनेंट, जो 2 लाख, मतलब 2 लाख तक का आप रेंट इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, प्लस रेंट रिसीव्ड माइनस 30% ऑफ द रेंट रिसीव्ड जो आप दिखाएंगे एज मेंटेनेंस. और सिनेरियो 3 इज़ अगर आप खुद रह रहे हैं, तो इस केस में आप एचआरए नहीं क्लेम कर सकते हैं. इंटरेस्ट कंपोनेंट आप बिल्कुल वैसे क्लेम कर सकते हैं, और क्योंकि आपने कोई रेंट नहीं लिया तो रेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है. नेक्स्ट सिनेरियो इज़ अगर आपने लोन ही नहीं लिया हो, विच इज़ वेरी क्लियर, उस केस में आपको बस एचआरए मिल सकता है अगर आप कोई डिफरेंट सिटी में हो, नहीं तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. और अगर आपने लेट आउट किया हुआ है, तो जो पूरा अमाउंट है 30% माइनस करके, जिसको आपने एनुअल रेंट जितना आपका आया हो माइनस 30% करके जो अमाउंट बनता है वो आप रेंट रिसीव्ड में डालेंगे. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, आप प्लीज़ इसको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन गिव यू हेल्प एंड हेल्प यू मेक आईटीआर फाइलिंग वे मोर ईजियर. डोंट फॉरगेट टू सी द अदर वीडियोज ऑफ दिस सीरीज सो दैट यू कैन फाइल योर आईटीआर वेरी इजिली. दिस इज टेक बहू साइनिंग ऑफ.